अच्छा बच्चा उठा बिल्ली मार गई तो तोड़ के आया बिल्ली ने नीचे बच्चा मारे मार था अच्छा फिर एक और तो कह रहे थे ठीक है रिकॉर्डिंग कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आए हैं अली भाई की छत पे शो करने। अली भाई ने हमें स्पेशल बुलाया जी, आप हमारी छत पे भी आए। पिछली दफ़ा हम गए थे अली भाई की कज़न की छत पे, शेब भाई की छत पे। तो अली भाई का ये माशाल्लाह छोटा सा सेटअप है, इनकी मसरूफियत होती है, जॉब पर जाना होता है, ये बस इन्होंने जो है ना बच्चे निकलवाते हैं, कभी किसी को दे देते हैं कभी किसी को दे देते हैं। तो आज हम इनके कबूतरों का शो करते हैं। तो ये अली भाई हैं, अली भाई अपना तारफ करवाइएगा ज़रा। अली मेरा नाम है और मैं उस्ताद असलम का शागिर्द हूँ, बाबा असलम के नाम से मशहूर हैं वो ग्रीन टाउन के। भाई आपको शो करवाते हैं। हाँ जी चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें जी, ये तो बाज जोड़ा है अली भाई का। गुस्सा कर रहे हैं जी कबूतर, अली भाई ने लगता कभी हाथ में नहीं पकड़े। ये कबूतर है जी दुबास, ये नर है। ये आपको इसकी आंख का शो करवाता हूँ। इसकी आंख का शो करवाएं जी। ये जोड़ा जी, ये दो रंग के बच्चे निकालता। खूबसूरत जोड़ा, ये इसकी आंख देखें। अभी आपको इसकी मादी का शो करवाते हैं। ये इसकी मादी का शो करेंगे। ये ले भाई छोड़ दूँगा, ये मुझे पकड़ा दो। ये मेरे फ्रांसीसी और शेखों वाला ब्लड। ये जी अली भाई के फ्रांसीसी और शेखों वाला ब्लड है। ये मैं आपको करवाता हूँ शो, पहले इस कबूतरी की आंख का शो कर लें, परों का शो कर लें। ये दोबाज जोड़ा है अली भाई का, और ये जोड़ा मतलब अपना ये बता रहा है कि ये दो रंग के बच्चे निकालता है। बच्चे इसके पट्ठे इसके बहुत अच्छे आते होंगे। काले बच्चे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, काले बच्चे इनके बहुत ज़्यादा उड़ते हैं।
जी अली भाई छोड़ दें। ये देखें जी, ये फ्रांसीसी और शेखों वाला ब्लड अली भाई बता रहे हैं, ये उनका क्रॉस है। ये बहुत खूबसूरत कबूतर, अभी हैं क्रीजे में, गर्दनें अभी गंजी हैं इनकी, पर दोबारा निकाल रहे हैं, इधर बारिश में नहाते रहते हैं। ये कबूतर है जी, इसका भी आपको शो करवाते हैं। ये भी कबूतर है जी, ये इसका शो करें, इसका मैं मादी का भी शो करवाता हूँ आपको। ये फ्रांसीसी और शेखों वाले ब्लड का मिक्सचर है, ये इसकी मादी है, ये भी शेखों वाली है, ठीक है, और बाप इसका फ्रांसीसियों में से बना हुआ है, ठीक है। ये भी एक ही ब्लड है जी, मादी शेखों वाले ब्लड में से है और उसका बाप जो है वो फ्रांसीसियों में से था, मतलब शेखों वाली ब्लड की मादी थी फ्रांसीसी नर था, उसमें से ये मादी निकली हुई है। और ये भी जी, इसका आप शो कर लें, अली भाई इनके कितने को बच्चे ले लिए आपने? ये मादा है जी, ये देखो इनके तकरीबन मेरे पास भी घर में दो पड़े हुए हैं और मेरे ख्याल से कि 5 से 6 बच्चे मैं लोगों पे बांट चुका। ये कितने रंग के? ये हमारे जोड़े जो है ना, जोड़े, ये जोड़ा कहता है कि ज़्यादा बच्चे इसके सफ़ेद आते हैं, वैसे इसमें से 5 रंग के बच्चे आते हैं, कुछ हल्के जौनसरे आते हैं मोतियों वाले, कुछ सफ़ेद आते हैं, कुछ ये नर तरह गाढ़े आएंगे, कुछ ये मादी की तरह आएंगे, कुछ बिल्कुल ही गाढ़े हो जाएंगे। बेसिक नर के जो नर के कलर पे जाते हैं वो बच्चे मेरे पास बचते हैं, वो अच्छे उड़ते हैं, अच्छे उड़ते हैं। और जो मादी के हैं ना, वो इवन के बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, बच्चे वो पलते ही नहीं है मेरे पास। अच्छा, वो मर जाते हैं, वो मर ही जाते हैं। ये जी अजीब सी सिचुएशन है, उन्हें मैंने चेंज करके भी देखा, एक एक अंडा एक उधर, जो मादी के कलर में निकलता है ना वो उधर भी मर जाता है। अच्छा, ये जो सफ़ेद कबूतर नज़र आ रहा है, ये इसी जोड़े का बच्चा? कौन सा? ये वाला कि ये और है? नहीं, ये और है, ये और है बच्चा है। एक ये खड़ा हुआ है जी, आप ये हमने जी जोड़ा लगाया हुआ, ये हम कोई साल पहले मेरे ख्याल में आए थे हाँ, तो तब जोड़ा लगाया था। आपने कहा था कि यार ये बच्चा उड़ाया आपने? ये बच्चा नहीं, ये रोक ही लिया, ये रोक छेड़ा ही नहीं से मैंने। ये जी अगर इन्होंने ये बच्चा उड़ाया होता तो इंशाल्लाह ताला इन्हें अंदाजा होता कि ये जोड़ा ये एक कैसे जरूर है। हाँ, पूरा इलाका घूम कर वापस आ गया, वापस आ गया, ये गिरने वाला बच्चा नहीं है। हम जो जोड़े लगाते हैं, जो आपको बताते हैं, वो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही बच्चे आते हैं। ये इन्हीं के छत पर कबूतर था, इन्हीं की छत पर मादी थी, हालांकि वो ये बहुत अच्छा जोड़ा नहीं बनता, मादी थोड़ी हल्की है नर से, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट देख लें आप, ये हाँ इधर जो अवेलेबल थे उसी हिसाब से हमने जोड़ा बना दिया। तो यहाँ ये निकला है,
मतलब कभी उड़ा भी नहीं है, तो सारा इलाका घूम घाम के शाम को छेड़े छुड़ो से बच बचा के घर आ गया वापस। इवन कि आपको ये भी नहीं पता था कि इसका माँ बाप एक ब्लड लाइन का, और आपने कहा था कि यार ये आपस में इन्हें लगाओ ये नस्ल बना देंगे। हाँ जी, ये मतलब नस्ल बनाने के लिए मुझे ये जैसे अली भी बता रहे हैं, ये नहीं पता था इनका माँ बाप एक है, लेकिन वो कबूतरी और कबूतर बता रहे थे कि हमारा बैकग्राउंड सेम है, हम एक ही नस्ल से आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये इनको नस्ल बनाने के लिए जोड़ा लगाया था। असल में मैं थोड़ा याददाश्त का मसला भूल जाता हूँ, ये अली भाई अब याद करवा रहे हैं कि मैंने ये बातें कही थी। तो ये बच्चा ही देखें, ये थोड़ा सा लाखा निकला है, सफ़ेद बच्चे भी इसके निकलते हैं, हल्के काले जों वाले भी इससे निकलेंगे, मोतियों वाले। इसका जो दादा था ना उसके हल्का सा जों था, ठीक है, और इसका दादा जिस ब्रीड में से बना ना वो पेयर लगाया था फैसल भाई ने। अच्छा 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 अच्छा, बड़े अरसे से मुझे कहते थे यार ये लगा ये लगा, मैं लगाता नहीं था। फिर एक दिन मैंने कहा अच्छा यार मैं उस्ताद से पूछूंगा, अगर उन्होंने ज्यादा दे दी तो मैं जरूर लगाऊंगा आपको, ठीक है। तो उन्होंने, मैंने कहा कि मेरे एक दोस्त ऐसे ऐसे, उन्होंने मुझे कहा तो मैं लगा दूँ। उन्होंने कहा ठीक है तू लगा ले। तो ये जी फैसल भाई कभी कभी जोड़े लगवाते हैं, लेकिन ताबन जोड़े लगवाते हैं, फाइनल जोड़े लगवाते हैं। फैसल भाई को ब्रीड का बहुत अच्छी तरह से नॉलेज है। हाँ फिर इनका आँख का शो करवाएं यार। अब जो बात है ना कि ताबन जोड़ा, अब ये जोड़ा मतलब इनमें क्रॉस हैं तो ये पांच रंग के बच्चे निकाल रहे हैं। अभी हमें चाहिए कि हम बेसिकली हमें ज़रूरत होती है कि हमें इनमें से चाहिए क्या, हमने जोड़ा लगाना लेके किस तरफ जाना है नस्ल को, तो उस हिसाब से फिर हम आगे से बच्चे सिलेक्ट करते हैं। इसका बच्चा, इसका बच्चा उड़ा बहुत अच्छा उड़ा है। हाँ जी, ये अली भाई बता रहे हैं कि जो हमने जोड़ा लगाया था उसके बच्चे